हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसर विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज का वीडियो जो है ना मीशो हॉल वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली बहुत सारे ज्वेलरी पीसेज, जिनमें मैं आपसे बैंगल्स शेयर करूँगी, मंगलसूत्र शेयर करूँगी, सेट्स शेयर करूँगी जो मैंने अपकमिंग फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन के लिए मंगवाए हैं। मीशो पे जो है ना अभी अपकमिंग सेल जो है चल रही है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स जो है मिल जाएंगे, तो आप इस सेल का फ़ायदा उठा के इन प्रोडक्ट्स को है जो अच्छे प्राइस पे, अच्छे डिस्काउंट पे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इन सबके लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट आइटम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने ना एक बैंगल्स का जो है बहुत सुंदर सा सेट मंगवाया है। इस तरीके का ये देखने के अंदर सेट है, मतलब इसको आप चूड़ा बोल सकते हो। बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है, मुझे इसको देखते ही ना ये फर्स्ट लुक में, जैसे जब ये डिलीवर हुआ था ना, मैं इसको देख के ही मतलब मैं इम्प्रेस हो गई थी। मुझे इसको देख के अच्छा लगा, लेकिन मैंने अभी तक इसको खोल के नहीं देखा ना, मैंने पहन के देखा इसका साइज़ कैसा है। तो आपके सामने ही मैं जो इसको है खोल के पहन के देखती हूँ किस तरीके का ये है और किस तरीके की इसकी क्वालिटी आई है, पहनने में कैसा लगता है और क्या इसका मटेरियल है। ये इस तरीके का इसका जो है पूरा लुक है, पूरे पे जो है मिरर, फेक मिरर्स हैं ये ना, जो प्लास्टिक के अंदर मिरर होते हैं ना वो इसके ऊपर लगा रखे हैं। कुंदन वर्क इसके ऊपर हो रखा है, स्टोन वर्क इस पूरे पे हो रखा है। देखते हैं किस तरीके की इसकी लुक लगती है। दोनों हाथों का है ये बेसिकली ना, दोनों हाथों में आपके पहनने के लिए है ये। मैंने जो साइज इसमें मंगवाया है 2.6 मंगवाया है, 2.6 में को आराम से आ जाता है। मटेरियल जो है ना इसका प्लास्टिक मटेरियल है। पहन के देखते हैं किस तरीके का लग रहा है ये पूरा मेरे हाथ में। बहुत ही हल्का है, पता भी नहीं चल रहा हाथ में कुछ पहना है। इस तरीके की जो है इसकी लुक है। इसको आप ना चूड़ियों के साथ मैच, मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो, सिर्फ इन कड़ों को भी पहन सकते हो। तो इस तरीके की इसकी लुक है, अच्छी लुक दे रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है पहना हुआ। बहुत लाइट वेट है, अफोर्डेबल रेंज के अंदर, और फिनिशिंग भी इसकी अच्छी खासी है। आप देख लो इस तरीके का ये है, मुझे अच्छा लगा है पहना हुआ। आप इसको साड़ीज़ के साथ पहन सकते हैं, लहंगा के साथ पहन सकते हैं, सूट के साथ पहन सकते हैं, आपका तीनों के साथ चल जाएगा। आप इसको मिक्स एंड मैच करके पहनो, इस तरीके से सिंपल पहनो, सब तरीके से चलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है देखते हैं क्या है। इस तरीके के बॉक्स के अंदर ये आया है, मैंने देखते हैं इसमें किस तरीके का क्या है ये आइटम। मैंने किसी को भी जो है ना ओपन करके देखा ही नहीं है अब तक, बस इनके पैकेट्स हटा के रख दिए थे ऊपर से। मुझे नहीं पता क्या मटेरियल आया है, क्या प्रोडक्ट आया है। ओके, ये जो है ना इस तरीके का गोल्डन कलर के अंदर एक बहुत इंट्रिकेट, बहुत डेलिकेट सा जो है ना इस तरीके का सेट है ये प्रॉपर। ये नेक पीस है इसका, क्लोजली इसकी फिनिशिंग देख लो, आपकी इस तरीके से इसकी फिनिशिंग है। बहुत डेलिकेट और बहुत प्यारा सा है, गोल्डन कलर भी जो है ना इसका चीप सा गोल्डन नहीं लग रहा। एयरिंग्स जो हैं इसके बहुत छोटे छोटे से इस तरीके के एयरिंग्स, इस तरीके से छोटे छोटे से एयरिंग्स इसके आए हैं। और ये इसका जो है डेलिकेट सा गोल्डन कलर के अंदर नेक पीस है। पहन के दिखाती हूँ किस तरीके का लग रहा है। ये हटा देती हूँ मैं इनको, ताकि मैं आपको अच्छे से ट्राई ऑन करके दिखा सकूँ किस तरीके की इनकी लुक है और किस तरीके का ये लग रहा है। नेक पीस पहन के दिखाती हूँ पहले। धागा छोटा है थोड़ा, और बड़ा होना चाहिए था इसका धागा जो है ना, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा ना स्टिफ आए, क्योंकि मुझे देखने में हल्का सा स्टिफ लगी रहा है ये। ओके, इस तरीके से पूरा नेक के साथ फिटिंग वाला ये आया है नेक पीस, और इसके जो इयररिंग्स हैं गोल्डन कलर के इयररिंग्स हैं, ये जो है ना मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, मेटल के अंदर है, और मेटल के ऊपर जो है गोल्ड कलर की पॉलिश हो रखी है। इस तरीके से इसके एयरिंग्स हैं, बहुत डेलिकेट से हैं। सिंपल अगर आपको सिर्फ एयरिंग्स पहनने हैं तो आप एयरिंग्स भी पहन सकते हैं, और आपको इसको सेट करके पहनना है अपने नेक पीस के साथ तो उसके साथ भी पहन सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके की इसकी लुक है। गले के साथ पूरा चिपका हुआ आ रहा है ये, मुझे मैं भी कैमरा में देख पा रही हूँ, बहुत ऐसे चिपका हुआ गले के साथ आ रहा है। और ये इसके एयरिंग्स हैं।
अच्छी लुक है, डिसेंट लुक है। अगर आपको बहुत कोई डेलिकेट सा छोटा सा सिंपल सा नेक पीस चाहिए तो आप इस तरीके के नेक पीस जो है ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पीस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी जो है ना, मैंने एक नेक पीस ही ऑर्डर किया है। नेक पीसेस मैंने करे हैं इस बारी, नेकलेसेस, और मैंने ना गोल्ड टोन के अंदर ज़्यादा ऑर्डर किए हैं इस बारी। 2-3 मैंने गोल्ड टोन में करे हैं कि तब मैं चेक करना चाह रही थी कि इनकी लुक कैसी आती है। इसी हॉल वीडियो के लिए ना मैंने 2 मंगलसूत्र के सेट और मैंने एक नेक पीस ऑर्डर किया था, बट वो सेलर ने कैंसिल कर दिया। पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया, वो मेरे पास डिलीवर ही नहीं हुआ। अगला पीस जो है वो भी इस तरीके का ही सेट है, जैसे मैंने पहन रखा है ना, इस तरीके के अंदर ही है। ये डोरी की क्वालिटी अच्छी है, ऐसे चीप क्वालिटी वाली डोरी नहीं है, गोल्डन कलर के अंदर है। और ये जो नेक पीस है ना, इस तरीके से इसके ऊपर स्टोन वर्क दे रखा है, पूरा इस तरीके का ये स्टोन वर्क है। पिंक एंड ग्रीन कलर के इसके ऊपर जो है स्टोन्स लगे हुए हैं। गोल्डन की जो है ना, इसका अच्छी क्वालिटी का गोल्डन है, ऐसे मतलब डल सा गोल्डन या फेक गोल्डन होता है ना, वैसा वाला गोल्डन नहीं है, अच्छा गोल्डन है। और इसके साथ एयररिंग्स जो आए हैं, छोटे छोटे से एयररिंग्स हैं इसके भी ना, डेलिकेट से। मतलब अगर आपको हैवी एयररिंग्स नहीं पसंद तो आप इस तरीके के नेक एयररिंग्स भी पहन सकते हैं विदाउट नेक पीस। इस तरीके के इसके छोटे छोटे से डेलिकेट से एयररिंग हैं, प्यारे हैं। मतलब प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक है। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको ना, ये वाला भी किस तरीके का लग रहा है। ऑलराइट, इस तरीके का जो है ना, ये चोकर स्टाइल के अंदर है, बहुत ही प्यारा और डेलिकेट सा है। ये इसके एयररिंग्स हैं, बहुत सिंपल एंड छोटे से एयररिंग्स हैं। और गले में मेरे को प्रॉपर अच्छे से पिटोला है, मतलब पूरी नेक के ऊपर इस तरीके से इसका डिज़ाइन जो है दिख रहा है। और इसको आप ना, इसको आप किसी हैवी नेक पीस के साथ भी पहन सकते हैं, सिंपल ऐसे चोकर स्टाइल करके भी पहन सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। मुझे तो कैमरा में अच्छा लग रहा है देखने के अंदर ना, तो आप देख लो कैसा लग रहा है इसकी लुक। इसके अंदर जो एक ग्रीन एंड पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, ऐसे चीप क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो अगला प्रोडक्ट जो है देखते हैं क्या है। ये मैंने ना ऐसे गोल्ड टोन के अंदर 2 कड़ों का सेट मंगवाया था, अगेन 2-6 साइज के अंदर है। इस तरीके की इसके ऊपर ना आगे इस तरीके का जो है डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा इसका डिज़ाइन है। और ये 2-6 साइज़ में ही है, इस तरीके के कड़े हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इनको भी जो है आप चूड़ियों के साथ पहन सकते हैं या एक एक हाथ में पहन सकते हैं, चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके एक ही हाथ में पहन सकते हैं। इस तरीके की जो है इसकी लुक आ रही है, बढ़िया लग रहे हैं, बहुत लाइट वेट हैं, बहुत लाइट, बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके ऊपर, मतलब मेरे, मैं ना अगर वैसे पहनती नहीं हूँ हाथों में कुछ, लेकिन मेरे को इस तरीके के कड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल सिंपल डेलिकेट से ना, अच्छी मेटल के अंदर है। और आगे इसके इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, ब्लैक कलर के अंदर और पिंक कलर के छोटे छोटे आगे जो है ना स्टोन्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। ब्लैक कलर का डिज़ाइन, फ्लोरल प्रिंट से बारीक बारीक डिज़ाइन बना हुआ है, अच्छे कड़े हैं, क्वालिटी अच्छी है, अच्छा गोल्डन है। मतलब ऐसे है ना, पहना हुआ चीप सी लुक नहीं देगा आपको, अच्छी क्वालिटी के अंदर कड़े हैं। सीरियसली मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। मुझे ना इस सेलर से सोच रही हूँ मैं और कड़े भी ऑर्डर करूँ, अगर मैं ऑर्डर करूँगी ना मैं दिखाऊँगी आपको। नेक्स्ट जो है, मैंने एक वाइट पर्ल वाला जो है नेक पीस ऑर्डर किया है, नेकलेस और एयरिंग्स, और इसके अंदर मांगटीका तीनों चीज़ें हैं। मेरे को पहले लग रहा था सिर्फ एयरिंग्स और नेकलेस है ये, लेकिन इसमें मांगटीका भी आया ना, मैं खुश हो गई देख के कि कुछ तो एक्स्ट्रा है जो नहीं दिखाया गया था। मांगटीका देखते हैं पहले किस तरीके का इसका है। इस तरीके का ये मांगटीका है, इसके साथ स्टोन वर्क हो रखा है पूरे के ऊपर, इस तरीके का आगे जो है ना इसके स्टोन वर्क हो रखा है, स्टोन वर्क है, पर्ल है, कुंदन लगा हुआ है और स्टोन दिया हुआ है, यहाँ नीचे जो है पर्ल की ड्रॉप डिटेल दे रखी है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, चीप क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एयरिंग्स जो है ना इसके, इस तरीके के जो है इसके एयरिंग्स आए हैं, स्टोन वर्क हो रखा है मेरा पूरा, और साथ में जो है वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के अंदर इसके हैं ये।
मैं आपको दिखाती हूँ पहन के इसके इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। सो ये इयररिंग्स की लुक है। अगर आप इनको बिना किसी चीज़ के भी पहनना चाहते हैं ना, मतलब अगर आपको इसके साथ कोई इसका नेकपीस नहीं पहनना, तो सिर्फ आप इयररिंग्स ही पहन सकते हैं। मेरी इस साड़ी के साथ भी जा रहे हैं अच्छे से, ये बढ़िया लग रहे हैं पहने हुए। और इसके साथ जो नेकपीस है चोकर स्टाइल के अंदर है, वो आगे जो है ना इस तरीके से जो है ये डिज़ाइन बना हुआ है, पूरा चोकर स्टाइल के अंदर है। और साइड पे जो है ना ऐसे मोतियों की लड़ी दे रखी है, बहुत ही प्यारा है। पहन के देखते हैं। मुझे इसकी फिनिशिंग लुक बहुत अच्छी लगी है, मुझे ना फर्स्ट लुक में ही अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। और ऊपर से मांग टीका भी है, इयररिंग भी है, पूरा सेट ही आया है अच्छा सा। अब वाइट पर्ल्स है ना, वाइट पर्ल्स आपके सब कलर्स के साथ चल जाएंगे। मतलब आप किसी भी कलर के साथ, किसी भी कलर की ड्रेस के साथ, लहंगा हो, सूट हो, साड़ी हो, किसी के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं। लुक इसकी इतनी प्यारी आ रही है, अफोर्डेबल रेंज में है। सबके प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। 3 पीस का सेट है ये, इयररिंग्स है, मांग टीका है और आपका नेकलेस है। इस तरीके का ये इसका लग रहा है। तो ओवरऑल ऐसी ये पूरी इसकी लुक है। अगर आप इसको करवा चौथ पे पहनना चाहते हैं अपनी किसी ड्रेस के साथ, तो मांग टीका भी हो गया, इयररिंग्स भी हो गए और नेकपीस भी हो गया। क्वालिटी अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पीस जो मैंने ऑर्डर किया है, वो मैंने ये ना बैंगल्स ऑर्डर करी हैं, चूड़ियों का सेट ऑर्डर किया है बेसिकली। एक मैंने रेड कलर के अंदर, करवा चौथ आने वाला है तो बहुत सही काम आ जाएगा उसके अंदर ना ये। मैंने देखते हैं कैसा डिज़ाइन है और मेरे को ये फिट भी होता है या नहीं। अगेन इसके अंदर भी मैंने 2.6 साइज ही ऑर्डर किया है। कांच की चूड़ियाँ हैं जैसा मुझे लग रहा है ये। इस तरीके का जो है ना इसका डिज़ाइन है पूरा रेड कलर के साथ, साथ में आपको स्टोन वर्क वाली जो है कड़े दे रखे हैं। पहन के देखते हैं कैसी लुक आती है इसकी। ऑल राइट, ये जो है ना कांच की चूड़ियाँ हैं पूरी, ये वाली भी जो है, ये जो बीच में रेड कलर की चूड़ियाँ दे रखी है ना, ये जो है मेटल के अंदर है, मेटल के ऊपर वेलवेट वर्क हो रखा है, वेलवेट लगा हुआ है। बाकी जो सब चूड़ियाँ हैं ना वो सब कांच की हैं। पहन के दिखाती हूँ मैं कैसे लग रही हैं। वसिलका मुझे हाथों पे देखो थोड़ा सिल्वर इसका ना जो लगा हुआ है इसके ऊपर वो हट रहा है, अगर ये नहीं हटता तो ये ज़्यादा रहता था। इस तरीके की जो है ना इसकी लुक है, आप इसको साड़ीज़ के साथ पहन सकते हैं, इनफैक्ट इन कड़ों को भी अलग से आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर लुक है, इस तरीके के लग रहे हैं ये पहने हुए। डिसेंट क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद थोड़े और अच्छे हो सकते थे, बट अच्छे हैं आपके जो हैं फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। रेड कलर है, बहुत सात चीज़ों के साथ चला जाएगा, क्योंकि रेड कलर के कपड़े अक्सर हर फीमेल के पास होते हैं, जो साड़ी भी होगी, लहंगा भी हो सकता है, सूट भी हो सकता है, रेड कलर के अंदर आउटफिट्स होते ही होते हैं। और करवा चौथ पे पहनने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। साथ में आपको कड़े भी मिल गए और चूड़ियों का सेट भी मिल गया। प्रॉपर आप इसको सेट करके पहनो, बहुत सुंदर लगेगा पहना हुआ। ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगवाई है, वो मैंने ना 2 मंगलसूत्र का सेट मंगवाया था। अब अच्छी चीज़ क्या है कि सेलर ने इसके साथ एक फ्री आइटम भी जो है भेजी है। बहुत ही डेलिकेट और इंट्रिकेट से मुझे ये देखने में लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फ्री आइटम दिखाऊंगी क्या है, मंगलसूत्र तो बाद में दिखाऊंगी। इस तरीके का ना छोटा सा ये पेंडेंट भेजा है, बहुत सिंपल सी पतली सी चेन है, उसमें ऐसे पर्ल दे रखा है। इसको आप अपने वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, इंडियन आउटफिट्स के साथ, दोनों के साथ पहन सकते हैं। ये इसकी फ्री आइटम जो आई है साथ में, और जो इसके मंगलसूत्र हैं वो भी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्री आइटम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। बहुत ही सिंपल से ना छोटे छोटे से मंगलसूत्र मैंने मंगवाए, क्योंकि मेरे को खुद को भी बड़े बड़े पसंद नहीं है। मुझे ना छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं पहनने के लिए ना, रेगुलर में पहनने हो या नॉर्मल वैसे भी पहनने हो, तो मेरे को बड़े पसंद नहीं है। इस तरीके का ये मंगलसूत्र है, बहुत डेलिकेट सी सॉफ्ट सी जो है इसकी चेन दी हुई है, और आगे जो है इस तरीके से इसके छोटा सा पेंडेंट है। पेंडेंट के साथ ब्लैक पर्ल्स हैं और आगे ऐसे स्टोन वर्क वाला पेंडेंट इसका दे रखा है। पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। ओके, मुझे लगा था थोड़ा छोटा होगा ये, पर बड़ा है। पहनने के बाद इसकी कुछ इस तरीके की जो है लुक आ रही है, बहुत डिसेंट सा है, बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ। मुझे लगा था थोड़ा सा छोटा होगा, इतना होना चाहिए था ये, है ना, बट ठीक है, पहना हुआ अच्छा लग रहा है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत सही है ये। इस तरीके का ये है। जो सेकेंड इसका पीस आया है
वो भी बहुत अच्छा है, बहुत डेलिकेट सा है वो भी। मैंने ना और भी दो मंगवाए थे लेकिन वो डिलीवर ही नहीं हुए। इस तरीके का ये है, पतली सी चेन है, इसमें ब्लैक कलर के पर्ल्स हैं और आगे ऐसे छोटा सा पेंडेंट दे रखा है, डिसेंट सा है। अगर आप रेगुलर वियर के लिए कोई पहनने को चाहते हैं ना, क्योंकि आप गोल्ड का तो हमेशा पहन के नहीं रख सकते ना गले के अंदर, और बाहर तो वैसे भी आप ज़्यादा इतना रिस्क लेना मुझे लगता नहीं है ठीक है, इस हिसाब से आजकल का माहौल हो रखा है। तो फर्स्ट ये वाला है, सेकेंड वाला भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है पहना हुआ। सेकेंड वाले की लुक भी इस तरीके की लुक आ रही है, अगेन थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा लगता। इस तरीके की इसकी लुक है, पहना हुआ बहुत डिसेंट सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है पहना हुआ मुझे तो ना, मतलब मैं तो इसको रेगुलर में भी अगर पहनना चाहूँ तो पहन सकती हूँ, डिसेंट सा है। और जो इसका गोल्डन कलर की चेन का कलर है ना, चीप कलर नहीं है, बेस्ट पार्ट इज चीप कलर की गोल्डन नहीं है, और क्वालिटी चेन की अच्छी है। रेगुलर में आप पहनना चाहो पहन सकते हो, फंक्शंस में पहनना चाहो, छोटा मोटा सब कुछ आप चाहते हो कि कोई सिंपल सा आपको मिल जाए लाइट वेट लाइट क्वालिटी के अंदर, तो इस तरीके के आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, मैंने ये वाले मंगवाए हैं, मैं हो सकता है अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर ना और भी इनके डिज़ाइंस मंगवा के चेक करूँ, लेकिन मुझे अच्छे लगे हैं जो मैंने ये वाले ऑर्डर करे हैं ना। नेक्स्ट पीस जो है, मैंने नेक्स्ट दो पीस बचे हैं बस, अब मैंने ये रानी हार टाइप के अंदर एक नेक पीस ऑर्डर किया है। किस तरीके का ये है, ऐसे बबल रैप के अंदर ना पैक होके आया था ये, जो कि अच्छी बात है। ग्रीन कलर के अंदर मैंने ये रानी हार ऑर्डर किया है, इयररिंग्स हैं और नेक पीस है ये। ये जो है मैंने इस तरीके का रानी हार लिया है, ऐसा जो है ना मेरे पास ऑलरेडी एक वाइट पर्ल्स के अंदर भी जो है जो मैंने अमेजोन से लिया है उसमें यह 6 या 7 लड़ियाँ जो है दी हुई हैं। इस तरीके का ये नेक पीस है, वेडिंग अप्रोप्रिएट है ये बिल्कुल ही ना। देखते हैं किस तरीके की इसकी लुक है, पहन के दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लगता है ये। ओके, इस तरीके का जो है ये पहना हुआ लग रहा है, बहुत ही प्यारा है, लुक बहुत अच्छी है इसकी, 3 लेयर्स के अंदर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगेगा पहना हुआ साड़ीज़ के साथ। एयरिंग्स जो है ना इसके, इस सूट्स के साथ इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये लहंगाज और साड़ीज़ के साथ अच्छा लगेगा, थोड़ा डीप सा नेक हो और ऊपर से आपने ये पहन रखा हो। इस तरीके के इसके एयरिंग्स हैं, ये इसके एयरिंग्स हैं, ये नेक पीस है, पहना हुआ आप देख लो क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी है, डिसेंट। इसमें वाइट पर्ल्स वाले भी आए गए अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, वाइट पर्ल वाला तो मैंने अमेजोन से लिया था, ये मैंने मीशो से मंगवाया, तो उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। मुझे तो मन कर रहा पहने रखूँ इसको, मैं इसको जो है ना मैं ग्रीन कलर के साथ, ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, इनफैक्ट पिंक के साथ भी कंट्रास्ट करके इसको मैं पहन सकती हूँ, सबके साथ चलेगा, प्यारा लगेगा पहना हुआ। लास्ट एंड फाइनल पीस जो है वो मैंने थोड़ा लॉन्ग नेक पीस लिया है, थोड़ा ना लॉन्ग नेकलेस लिया है, झुमकी स्टाइल एयरिंग्स हैं इसके साथ ना, लेट्स सी कैसा है ये। पर्ल की डिटेल है इसके अंदर, पूरा ना पर्ल वाला ये है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ एक बार ना। इस तरीके से रानी हार स्टाइल में नेक पीस है ये, पूरे पे ऐसे चेन की लड़ियाँ जो है ना पर्ल की लड़ियाँ दे रखी हैं, आगे इस तरीके का पेंडेंट है, पेंडेंट की क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, प्रॉपर फिनिशिंग दी हुई है पर्ल की। इस तरीके से ना बहुत सारी लड़ियाँ, कितनी 7-8 होंगी ये, अराउंड 10-10 लड़ियाँ जो हैं इसकी, आप इस तरीके से ये है, पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, इस साड़ी के साथ में चल रहा है ये तो बढ़िया। इस तरीके से इसकी लुक है, पहना हुआ ऐसा लग रहा है ये। इसके साथ जो एयररिंग्स आए हैं ना वो झुमकी स्टाइल एयरिंग्स हैं, ये इसके एयरिंग हैं, बहुत लाइट वेट हैं, गोल्डन कलर के अंदर, गुड क्वालिटी का गोल्डन शेड है, चीप क्वालिटी वाला गोल्डन नहीं है। मतलब जितने भी मैंने ये ऑर्डर करे हैं ना, इनमें किसी के अंदर भी जो है ना गोल्डन ऐसा चीप वाला नहीं है, बढ़िया क्वालिटी वाला गोल्डन है। मतलब पहने हुए ऐसे वो नहीं लगेंगे कि आपने बहुत कोई चीप सा कुछ पहन रखा है, अच्छी लुक दे रहा है ये, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी पहना हुआ, अच्छी लुक दे रहा है, नाइस एंड डिसेंट। इसको जो है आप सिल्क साड़ीज़ के साथ पहन सकती हैं अपनी। सो इस तरीके के इसके एयरिंग्स हैं ये झुमका स्टाइल के अंदर, और नेक पीस इसका ऐसा है पर्ल वाला, पेंडेंट दिया हुआ है, क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी के अंदर है,
मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं पहने हुए। तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए ना, मुझे सारे अच्छे लगे हैं। हालांकि सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हुए जो मेरे को आपको शो करने थे, बट जितने भी डिलीवर हुए हैं अच्छे हैं, सारे अच्छी क्वालिटी के अंदर आए हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय बाय।